गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स से सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का चैप्टर वन जो है हम सभी जन एक हैं, चैप्टर का नाम है हम सभी जन एक हैं। सभी जन एक का मतलब है कि हमारी वेशभूषा, रंग, त्यौहार सभी कुछ अलग होते हुए भी हम एकता के प्रतीक हैं, एकता हमें झलकती है। अगर हम जैसे माने कि अगर एक माला ले लो, उसमें विभिन्न तरह के फूल होते हैं, लेकिन फिर भी क्या माला एक ही कही जाती है। इसी प्रकार हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। अगर हमारी राष्ट्रीयता पूछी जाए तो हमारी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, उसकी राष्ट्रीयता भी भारतीय है, मुस्लिम है वह भी भारतीय है। अब हमें एकता को देखने से पहले हम देखते हैं कि हमें विविधता क्या क्या है। तो हमें पहली विविधता है हमारे देश की भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता मतलब बनावट। बनावट से आप देखेंगे कि हम भारत के मानचित्र को देखकर समझाती हूँ भौगोलिक विविधता क्या है। अगर हम दक्षिण में आते हैं तो ये हमारा क्षेत्र क्या है, पठारी भाग। अगर हम उत्तर में पहुँचते हैं तो ये हमारा हिमालय पर्वत घिरा हुआ है, पूरा क्षेत्र हिमालय। और इसी के विपरीत पश्चिम में आते हैं तो राजस्थान यानी थार का मरुस्थल है। इस तरह से हमारा जो भारत की जो बनावट है उसमें बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी हम विविधता देखते हैं तो हमारी आती है जलवायु विविधता। जलवायु विविधता मतलब वातावरण, जलवायु कैसी है। जलवायु हम देखें तो यहाँ पर गर्मी अधिक मात्रा में होती है दक्षिणी भाग में, उत्तर भाग में जाएं तो सर्दी बहुत होती है। पूर्व में चलते हैं असम क्षेत्र में तो यहाँ वर्षा बहुत होती है। मासिनराम और चेरापूंजी दो स्थान ऐसे हैं जहाँ संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत अगर हम पश्चिम में आ जाएं राजस्थान वाले क्षेत्र में तो यहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर होती है। बिल्कुल रेगिस्तान यानी बिल्कुल बालू रेत पाया जाता है। तो ये क्या हुई हमारी जलवायु की विविधता, यानी कहीं पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, कहीं बिल्कुल सूखा है, कहीं सर्दी अधिक पड़ रही है, कहीं गर्मी अधिक पड़ रही है। और इसी के साथ जलवायु के अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई रहा है, इसके दोनों घाटों पर भी विभिन्नता है। अगर पश्चिम में आ जाए तो यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी के विपरीत अगर पूर्व में आ जाएं तो इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में केवल सर्दियों में वर्षा होती है। तो हमारे दोनों तटों पर भी बहुत अधिक जलवायु में विविधता पाई जाती है। ये तो हमने देखी भौगोलिक विविधता और जलवायु की विविधता। इसके साथ ही हम आते हैं बोलियां। बोलियां हमारे भारत में हर 250 किलोमीटर के बाद अंतराल पर बोली चेंज हो जाती है। कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी, कहीं बुंदेलखंडी, तो हर 250 किलोमीटर की अलग बोली होती है। भाषाएं भी बहुत अनेक है। हमारे संविधान में उनमें से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कम से कम 254 प्रकार की बोलियां हमारे यहाँ बोली जाती हैं। अगर हम इसके बोलियों के बाद में देखते हैं त्यौहार, अब अलग अलग क्षेत्र का अलग त्यौहार मनाया जाता है। असम क्षेत्र में देखें तो बिहू मनाया जाता है, इधर तमिलनाडु क्षेत्र में आ जाएं तो ओणम मनाया जाता है, पोंगल। राजस्थान में राजस्थान वाले क्षेत्रों के त्यौहार मनाए जाते हैं, जबकि पंजाब में पंजाबी लोग लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इधर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ की बहुत भव्य यात्रा निकलती है। तो इस तरह से हमारे पूरे भारत में जो त्योहारों की भी अलग अलग महानता है, यानी अलग अलग प्रकार के त्यौहार पाए जाते हैं, त्योहारों में बहुत अधिक विविधता है। इसके बाद में अगर हम देखें नृत्य, तो अलग अलग जगह के नृत्य हैं। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, और इधर तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल कथक। तो इस तरह से यहाँ नृत्य भी अलग अलग हैं। गुजरात में डांडिया बहुत मनाया जाता है, पंजाब में गिद्दा, तो यहाँ के नृत्य भी अलग अलग हैं। अगर इसी के बाद हम बात करते हैं पहनावा, तो कहीं तमिलनाडु क्षेत्र में कुर्ता धोती पहनते हैं, उत्तर प्रदेश में कुर्ता धोती पहनते हैं, पंजाब में पगड़ी बांधते हैं सिख लोग,
राजस्थान में औरतें बहुत घेर वाला लहंगा सा पहनती हैं, तो पहनावे में भी विविधता है। और इन्हीं सभी विविधताओं के बावजूद हमारे यहाँ एकता पाई जाती है, यानी सभी में एकता मिलती है, सभी एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं। अगर मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार ईद है तो हिंदू भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू दीपावली मनाते हैं तो मुसलमान भी उसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद विविधता में बहुत एकता पाई जाती है। अगर हम देखें तो हमारी एकता कुछ हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से प्रकट होती है। उन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, जैन सिख ईसाई बौद्ध सभी करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु बाघ, उसको भी सभी मानते हैं बाघ को। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो ये मोर केवल हिंदू या मुसलमान के लिए ही राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, ये पूरे भारत में हर राज्य में रहने वाले भारतीय के लिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, यानी सभी इसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तिरंगा झंडा हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसका प्रतीक भी भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक करता है। राष्ट्रीय गान जनगणमन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, उसे भी प्रत्येक भारतीय, यानी भारत के उत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला प्रत्येक नागरिक गाता है। राष्ट्रीय गीत की भी वही स्थिति है जो राष्ट्रीय गान की, यानी राष्ट्रीय गीत को भी सभी सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा चार मुख वाला सिंह स्तंभ, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इन चिन्हों के बावजूद हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व जो धार्मिक पर्व हैं, दीपावली, ईद, बिहू, इन पर्वों के अतिरिक्त धार्म राष्ट्रीय पर्व हैं जिसे प्रत्येक नागरिक धूमधाम से मनाता है। अगर उसमें हम कहें कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये तीन हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इन्हें प्रत्येक नागरिक बहुत धूमधाम से मनाता है। तो आज हमने देखा कि हमारे देश में बहुत अधिक विविधता है और इस विविधता के बावजूद सभी में एकता पाई जाती है। अगर हम खेल क्षेत्र में देखें तो सचिन तेंदुलकर से लेकर मोहम्मद शमी तक हमारे खेल में क्रिकेटर हैं, यानी क्रिकेट सब साथ साथ खेलते हैं। और क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, सभी खेल एक साथ खेलते हैं। इन खेलों को खेलने के लिए ये लोग बाहर, देश से बाहर भी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं। तो हमने जाना कि हमारे देश में इतनी सारी विविधता होते हुए भी अगर कोई चुनौती आ पड़े तब सब एक हो जाते हैं और कुछ त्यौहार, कुछ खेल सब मिलकर खेलते हैं। तो इसी के साथ हमें इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर अगले वीडियो में।